बहुत साल पहले परीलोक में एक मोटी परी रहती थी जिसका नाम आयुषी था। आयुषी परी इतनी ज्यादा मोटी थी कि सभी परियां आयुषी की बहुत ज्यादा हंसी उड़ाया करती थी। इस वजह से आयुषी परी बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। आयुषी परी की एक दोस्त थी जिसका नाम शिखा परी था। शिखा परी हमेशा आयुषी के साथ रहा करती थी और उसे समझाया करती थी कि वो दूसरी परियों की बातों का बुरा ना माना करे, क्योंकि उसे भगवान ने ऐसा बनाया है। और इस वजह से शिखा परी हमेशा आयुषी परी के साथ ही रहा करती थी। एक दिन की बात है, आयुषी परी परीलोक घूमने के लिए निकली, तभी उसे सोनी परी मिली। सोनी परी ने जब आयुषी परी को देखा तो वो आयुषी परी से कहती है, अरे मोटी परी, कहाँ जा रही हो? तुम इतना ज्यादा क्यों खाती हो? जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा मोटी होती जा रही हो, थोड़ा कम ही खा लिया करो। ये सुनकर आयुषी परी को काफी बुरा लगता है। इस पर शिखा परी सोनी परी से कहती है, तुम्हें इसे क्या मतलब है कि आयुषी परी कितना भी खाए, तुम अपने आप से मतलब रखा करो। तुम तो पतली हो ना? हाँ, मैं तो पतली हूँ और मेरी जैसी परी पूरे परीलोक में नहीं है। मैं इसके जैसी मोटी नहीं हूँ, इसलिए तो सब इसे मोटी मोटी कहते हैं और इसने हमारे परीलोक का नाम भी डुबो कर रख दिया। अरे, इसमें परीलोक के नाम डुबोने की क्या बात है? आखिर वो मोटी है तो इसमें उसका क्या दोष है? और यदि भगवान ने चाहा तो तुम देखना, वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी। हाँ, देखते हैं ये मोटी कैसे सुंदर होती है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मोटी कभी पतली हो भी पाएगी कि नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है सोनी परी। यदि मैं अपने ऊपर आ जाऊँ तो मैं तुम सबको पतली होकर दिखाऊंगी और एक दिन देखना, मैं पतली जरूर होऊंगी। ये कहकर वो शिखा परी से कहती है, मुझे इन लोगों के मुंह नहीं लगना है। ये लोग सिर्फ दूसरों की बेइज्जती और हंसी उड़ाना जानते हैं। जब यदि खुद की हंसी उड़ाई जाए तो ये अपना बहुत बुरा मुंह बना लेते हैं। और ये कहकर आयुषी परी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद सोनी परी अपने आप से कहती है, बड़ा घमंड इस मोटी को अपने आप पर। देखना, एक दिन मैं इस मोटी का कैसे घमंड तोड़ती हूँ और इसको अच्छे तरीके से सबक सिखाती हूँ। और ये कहकर सोनी परी भी वहाँ से चली गयी। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ आयुषी परी की सभी परियां बहुत ज्यादा हंसी उड़ाया करती थी। सभी उसे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया करते थे। इस बात से आयुषी परी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, आयुषी परी बैठी हुई थी, तभी वहां पर शिखा परी आई और शिखा परी ने आयुषी परी से कहा, अरे तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ? चलो तुम मेरे साथ परीलोक घूमने चलो। नहीं, मुझे परीलोक घूमने नहीं जाना, क्योंकि सभी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं और मुझे मोटी कहते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मोटी होने की वजह से मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे पता है कि मोटी होने की वजह से सभी तुम्हारी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं, पर इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? और वैसे भी तुम पतले होने की कोशिश तो कर ही रही हो। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, पर पता नहीं मैं क्यों पतली नहीं हो पा रही। अगर मैं पतली हो जाऊँ तो कोई भी मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा। तुम्हें नहीं पता है कि मोटी होना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। सभी मेरी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं और मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख होता होगा जब तुम्हारी कोई हंसी उड़ाता है, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनको सिर्फ रोक सकती हूँ, पर परीलोक में बहुत सारी परियां बहुत ज्यादा बदतमीज है और हमें उन्हें सबक सिखाना है। तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में रानी परी से बात करेंगे। रानी परी क्या कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता है रानी परी इसमें मेरी कोई मदद कर सकती हैं। क्यों नहीं, वो तो सब कुछ कर सकती है। उनमें तो बहुत सारी शक्तियां हैं। वो जरूर तुम्हारे इस मुसीबत का हल निकालेगी और शायद वो तुम्हें पतला भी कर दे। यदि मैं मोटी से पतली हो जाऊं तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, जब भी रानी परी को समय मिलेगा तो हम लोग रानी परी के पास जरूर चलेंगे। ये सुनकर आयुषी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा मोटापे से दुखी थी और पतला होना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन की बात है, सभी परियां परीलोक में घूम रही थी, तभी वहां पर आयुषी परी आ जाती है। आयुषी परी को देखकर सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती है। कोई परी उसे मोटी कहती तो कोई परी कुछ कहती है। इससे आयुषी परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी चांदनी परी आयुषी परी को रोकते हुए उसे कहती है, अरे कहाँ जा रही हो? जरा रुको, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? कहीं भी नहीं, तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हो। इससे अच्छा तो है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे
इसमें दुखी होने की क्या बात है, तुम्हें तो पता ही है कि तुम कितनी ज्यादा मोटी हो और तुम्हें देखकर हर किसी की हंसी निकल ही जाती है। कोई भी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाता है, बल्कि वो तो तुम्हें देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता है और इसी वजह से वो हंसने लगता है। मुझे सब पता है कि तुम लोग जानबूझकर ऐसा करते हो, पर मुझे तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या हुआ आयुषी परी, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों लग रही हो? क्या फिर से किसी ने तुम्हारी हंसी उड़ाई? हाँ शिखा परी, तुम्हें तो पता ही है कि सभी मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से चलें। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और रानी परी आयुषी परी को दुखी देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों लग रही हो आयुषी परी? रानी परी को देखकर शिखा परी और आयुषी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शिखा परी रानी परी से कहती है, अरे रानी परी, अब हम आपको क्या बताएं? आपको तो पता ही है आयुषी परी कितनी ज्यादा मोटी है और इस वजह से सभी परियां उसकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाती है और इसलिए आयुषी परी बहुत ज्यादा दुखी रहती है। ये सुनकर रानी परी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उन सभी परियों से कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम लोग आयुषी परी की हंसी उड़ाते हो? आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? वो भी तुम लोगों की तरह ही इस परीलोक की सदस्य है। हाँ रानी परी, हमें पता है, पर आयुषी परी बहुत ज्यादा मोटी है, इस वजह से सभी परियां उसकी हंसी उड़ाती है। आप खुद भी देख लीजिए, आपको भी आयुषी परी को देखकर हंसी आ रही होगी। मुझे आयुषी परी को देखकर हंसी नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह तुम लोगों की गंदी सोच है, मेरी इस तरह सोच नहीं है। मुझे पता है कि जब कोई इंसान तकलीफ में होता है तो उसे दर्द ही होता है, ना कि उसे मजा आता है। ये सुनकर सारी परियां नीचे सर झुका लेती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद रानी परी उन सभी परियों से कहती है, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि तुम लोग मेरी परीलोक की परियां हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो भी तुम्हारी तरह परीलोक की सदस्य है। भले ही वो मोटी है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है और इसलिए अब उसे उसका फल मिलेगा। और ये कहकर रानी परी अपनी जादू की छड़ी निकालती है और आयुषी परी को पतला कर देती है। ये देखकर सभी परियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आयुषी परी पतली हो पाएगी। और खुद को पतला देखकर आयुषी परी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह रानी परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पतला बना दिया। ये सारी परियां मेरी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाती थीं। अरे इसमें धन्यवाद करने की कोई भी बात नहीं है, अब तुम आराम से परीलोक में रह सकती हो और अब कोई भी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएगा। और ये कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी के बाद आयुषी परी भी वहाँ से चली जाती है। और अब आयुषी परी बहुत ज्यादा खुश थी कि वो पतली हो गई और अब वो खुश होकर परीलोक में रहने लगती है। सुहानापुर नाम के गांव में श्रुति अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। श्रुति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, उसका अपना कोई भाई नहीं था और वो लोग इतने गरीब थे कि गांव या स्कूल का कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, श्रुति स्कूल में थी, तभी स्कूल की टीचर ने क्लास में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, बच्चों कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए हमारे क्लास में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सभी लड़के अपने अपने भाई और सभी लड़के अपने अपने बहन चुन लें। टीचर की ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने भाई बहन को चुनने लगते हैं। श्रुति भी क्लास के एक लड़के के पास जाकर कहती है, अमन क्या तुम मेरे भाई बनोगे? चल चल, तेरा भाई कौन बनेगा, तेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसी तरह श्रुति कई सारे लड़कों के पास जाती है, पर उसके गरीबी के कारण कोई भी उससे राखी बंधवाने को तैयार नहीं होता। वो उदास होकर क्लास में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद टीचर दोबारा आती है। सारे बच्चे टीचर को अपने भाई और बहन के बारे में बता देते हैं, परंतु श्रुति नहीं बताती, तो टीचर श्रुति से कहती है, श्रुति क्या बात है, तुमने कोई भाई नहीं चुना? मैंने तो बहुत सारे भाई चुने थे टीचर, लेकिन भाइयों ने ही मुझे नहीं चुना। ऐसा क्यों? अमन, श्रुति तुम्हारे पास आई तो तुमने उसे राखी बनवाने से मना क्यों कर दिया? मेरी मर्जी टीचर, मैं जिसे चाहूँ अपनी बहन बना सकता हूँ। ठीक है सोनू, तुम क्यों श्रुति के पास से दूर चले गए?
टीचर, इसे बहन बनाकर क्या फायदा, ये तो बस खामखा हमसे गिफ्ट ले लेगी, क्योंकि इसके पास तो राखी खरीदने के भी पैसे नहीं है, ये हमें लाल धागा बांध देगी। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के त्योहार को पैसों से नहीं तोलना चाहिए। अब मैं जिसका नाम लूंगी उसे श्रुति का भाई बनना पड़ेगा। नहीं टीचर, हम नहीं बनेंगे। रहने दीजिए टीचर, कोई बात नहीं। स्कूल से उदास होकर आई श्रुति अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बेटी तू उदास मत हो, हमारे गांव में कितने सारे लड़के हैं, जा किसी को भी राखी बांध दे। अपनी माँ की बात सुनकर श्रुति बगीचे में खेल रहे कुछ लड़कों के पास जाती है और कहती है, गोलू। अरे साइड हट। अरे गोलू सुनो ना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या मैं तुम्हें कल राखी बांधने तुम्हारे घर आ जाऊं? अच्छा बता, कौन सी राखी बांधेगी तू मुझे? मैं वो बस राखी के नाम पर बकरी की तरह मैं करने लगी। चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बहन बनने गिफ्ट के लालच में। ऐसा नहीं है गोलू, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे तुमसे राखी नहीं बांधनी है, बात खत्म। सौरभ क्या तुम मुझे राखी बांधने दोगे? अरे तू राखी बांध कर क्या करेगी, वैसे भी राखी के नाम पर तू लाल वाला कलावा बांध देती है, तू हमको खेलने दे और कहीं और जाकर अपने लिए भाई ढूंढ। सभी की बातें सुनकर श्रुति का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो उदास होकर नदी के पास चली जाती है और चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। वहाँ बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। देखते ही देखते शाम रात में बदल गई। श्रुति फिर भी वहीं बैठी थी, तभी वहाँ पर एक बहुत भयानक राक्षस आ जाता है। बड़े दिनों बाद एक ताजा शिकार हाथ लगी है, मैं तुझे खाने आया हूँ लड़की। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम मुझे खा जाओ, वैसे भी ये दुनिया मुझे जीने देना नहीं चाहती, तुम भी मुझे मत जीने दो। अच्छा क्या मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? नहीं, मैं आज के बाद किसी भी लड़के की तरफ नहीं देखूंगी। कल रक्षाबंधन है और कोई भी लड़का मेरा भाई बनना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए अच्छी राखी नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? ऐसा कहकर श्रुति राक्षस की तरफ देखती है, लेकिन वो राक्षस वहाँ से गायब हो चुका था। अरे अभी तो मुझे किसी की आवाज़ आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है, मैं किससे बात कर रही थी? लगता है भाई के दुख में मैं पागल हो गई हूँ। इतना कहकर श्रुति वहाँ से घर चली जाती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस दोबारा प्रकट होता है और कहता है, तुम्हें भाई चाहिए ना, मैं बनूंगा तुम्हारा भाई, मैं बंधवाऊंगा तुमसे राखी। तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। देखते देखते रात बीत जाती है और रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है। श्रुति घर में उदास बैठी थी, तभी वहाँ राक्षस आता है। वो देखता है कि श्रुति उदास बैठी है और उसके हाथ में उसका गुल्लक है, जिसके अंदर एक रुपए भी नहीं है। वो राक्षस श्रुति के गुल्लक में बहुत सारे पैसे भर देता है। तभी वहाँ पर श्रुति की माँ आती है। श्रुति की माँ को आता देख राक्षस एक छोटे बालक में बदल जाता है। माँ श्रुति को उदास बैठा हुआ देख कर कहती है, श्रुति बेटा आज स्कूल नहीं जा रही क्या? स्कूल जाकर क्या करूंगी माँ, आज स्कूल में रक्षाबंधन मनाएंगे और स्कूल में तो मेरा कोई भाई ही नहीं बनना चाहता, सबने मुझे अपनी बहन बनाने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, अपने गांव के किसी लड़के को राखी बांध दे। गांव में भी कोई लड़का मुझसे राखी बंधवाना नहीं चाहता। तभी वो छोटा बालक बना राक्षस घर के अंदर आ जाता है और बोलता है, आंटी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझसे तो नहीं पूछा, मैं इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। देखा मैंने कहा था ना, गांव का कोई ना कोई लड़का तुझसे जरूर राखी बंधवाएगा। लेकिन माँ इस लड़के को तो मैंने गांव में कभी नहीं देखा। तभी वो बालक कहता है, मैं पड़ोस वाले गांव में रहता हूँ, मेरा भी कोई बहन नहीं है, मुझे जब पता चला कि तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है तो मैं तुमसे राखी बंधवाने आ गया, लो बांधो मुझे राखी। लेकिन मेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे हैं ही नहीं और ना ही मिठाई खरीदने के लिए पैसे हैं। अरे अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पैसे हैं, देखो तुम्हारे गुल्लक में पैसे हैं। वो मेरा गुल्लक है और मुझे पता है उसमें पैसे नहीं हैं। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। वो लड़का श्रुति का गुल्लक उठाता है और जमीन पर फेंक देता है।
गुल्लक में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। इतने सारे पैसे देखकर श्रुति खुश हो जाती है और कहती है, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? श्रुति फौरन बहुत सारे पैसे लेकर दुकान जाती है और एक बहुत खूबसूरत राखी खरीदती है, साथ में मिठाई का डब्बा भी खरीदती है और घर आकर अपने भाई को राखी बांधती है और कहती है, चलो अब मेरा तोहफा दो। हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सूट लेकर आया हूँ, देखो और बताओ कैसा है। श्रुति अपने भाई के दिए हुए तोहफे से बहुत खुश होती है, उसे तोहफा बहुत पसंद आता है। तुम्हारा तोहफा अभी खत्म नहीं हुआ है, बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल भी लेकर आया हूँ। श्रुति बाहर जाती है, बाहर एक चमचमाती बहुत खूबसूरत साइकिल खड़ी थी। साइकिल देखकर श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। माँ के कहने पर श्रुति खुशी खुशी अपने भाई के साथ उसी साइकिल पर स्कूल जाती है। श्रुति को इतनी खूबसूरत साइकिल पर आता देख सभी क्लास के बच्चे सरप्राइज रह जाते हैं। जो लड़के उसके भाई बनने को तैयार नहीं थे वो सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर क्लास की बाकी लड़कियों को जलन होती है। तभी एक लड़की कहती है, अरे तुम सब इसके पास क्यों खड़े हो? जरूर इसने किसी से मांगी होगी ये साइकिल। देखो अमन, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर राखी और कितनी टेस्टी मिठाई लाई हूँ। अमन तुरंत उस लड़की के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लेता है और जैसे ही मिठाई का डब्बा खोलता है उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। ये सब देखकर अमन मिठाई का डब्बा फेंक देता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े की आवाज़ सुनकर टीचर बाहर आती है और कहती है, अरे अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? तभी अमन टीचर से शिकायत करते हुए कहता है, टीचर देखो ना, ये टीना की बच्ची मिठाई के डब्बे में कीड़े मकोड़े लेकर आई है, इसने तो मुझे डरा दिया। नहीं टीचर, मुझे नहीं पता इसमें कीड़े मकोड़े कहाँ से आए। शैतान, तो फिर ये क्या है? टीना तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगी ना? रक्षाबंधन का तुमने मजाक बना कर रख दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना। तभी श्रुति का भाई कहता है, हाँ टीचर इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसने मेरी बहन का मजाक बनाया था। तुम कौन हो? तभी श्रुति कहती है, ये मेरा भाई है टीचर, आज रक्षाबंधन है ना, तो ये मुझसे राखी बंधवाने आया था। टीना बहन, आज के बाद मेरी श्रुति का कभी मजाक मत बनाना, समझी? ठीक है भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद हमेशा श्रुति के साथ बहन की तरह रहूंगी, कभी भी इसका मजाक नहीं बनाऊंगी। तभी अमन कहता है, और हम सारे लड़के श्रुति के भाई बनकर रहेंगे। उसके बाद सभी लड़के एक एक करके श्रुति से राखी बंधवाते हैं। श्रुति भी खुशी खुशी सबको राखी बांधती है और सबको मिठाई भी खिलाती है। सभी के चले जाने के बाद श्रुति अपने भाई से कहती है, भैया सच सच बताना, ये सब आपने ही किया है ना? मेरे गुल्लक में पैसे आपने ही डाले थे ना? बहन तुमने मुझे राखी बांधी है, अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, हैप्पी रक्षाबंधन मेरी बहन। इतना कहकर वो बालक वहाँ से गायब हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र होता है कि एक राक्षस को भी जिम्मेदारियाँ सिखा देता है। और दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।